नमस्कार, ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। पीरपैंती में संगठन चुनाव को लेकर जो है रसाकसी जारी हो गई है। इस क्रम में आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं। दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पीरपैंती से दिया जा चुका है। आइए हम आपको दिखाते हैं पीरपैंती में किस तरीके से माथापच्ची का दौर अब शुरू हो गया है। 14 नामांकन आने के बाद ये चुनाव पदाधिकारियों के लिए रस्साकसी और माथापच्ची का दौर है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सहयोगी अनीश से बाबा हमारे साथ अनीश जी जुड़ चुके हैं। अनीश जी, आवाज आप तक दुरुस्त पहुंच रही है? जी अमरेंद्र जी, आपकी आवाज अच्छी तरह से आ रही है। सर, दक्षिणी मंडल में जो चुनाव हो रहा है उसमें 14 नामांकन जो है वो हुए हैं अब तक। भाजपा का संगठनात्मक चुनाव है ये। भाजपा जो है आने वाले दिनों में चुनाव की तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। ये 14 नामांकन जो गिरे हैं सर, इसका कारण आपको क्या नजर आ रहा है इस वक्त? जी अमरेंद्र जी, कारण तो एक ही है कि आज से पहले इतने नामांकन कभी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पार्टी के तरफ से ही जो लोग सक्रिय होते थे उन्हीं को किसी एक को चुन दिया जाता था। लेकिन मोदी जी की लहर जो है इस बार फिर बिहार में हो रही है, इसीलिए उन्होंने एक एक गांव को इसमें जोड़ने के लिए काम किया है, और वो इसीलिए इतने लोग सक्रिय हो गए हैं और अपने पद के लिए भी सक्रिय हो रहे हैं कि उन्होंने मंडल अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा। अब ये जो नामांकन हुआ है इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? क्या यहाँ पर जो है प्रदेश तक ये चीजें जाएंगी कि 14 नामांकन यहाँ से हुआ, ये सारी चीजें प्रदेश तक जाएंगी? जी अमेंद्र जी, ये प्रदेश तक जाएंगी। अभी जो आज के चुनाव में ये जो चुनाव के लिए नामांकन भरे हुए हैं वो जिला तक जाएंगी, और जिला में जो फिर दूसरी बैठक है आज की डेट में, वो वहाँ से फिर सेलेक्ट होके फिर सारे जिला के सेलेक्ट होके ये कल प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम जानना चाहेंगे, किसी एक को चुना जाएगा। अनीश जी, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि जो 14 नामांकन हुए हैं, क्या उसमें मजबूत कैंडिडेट ही सारे हैं, या फिर जो है एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए भी कुछ कैंडिडेट्स उसमें हैं कि जो है आंकड़ा बढ़ा दिया जाए एक तरीके से, या आपको लगता है कि सभी की दावेदारी है इसमें? देखिए अमेंद्र जी, दावेदारी तो सभी कैंडिडेट ने रखा है अपना तरफ से, पर वहां पे सिर्फ एक ही, क्योंकि पद जो है एक ही है और सभी को तो इसके लिए सीट नहीं मिल पाएगी। जिसकी छवि अच्छी हो या जो कार्यकर्ता लोग काफी दिनों से अपने हर चीज को तत्पर रखते हुए काम किया है पार्टी के लिए, उन्हीं को ये सीट दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिश जी हमसे।